रोहित पौड़ैल का मिशन T20 वर्ल्ड कप। जी हाँ, और ये जो वीडियो अपने आप में रहेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे डिस्कशन इस पर हम करेंगे एज अ कैप्टन को लेकर, जो मिशन रहेगा T20 वर्ल्ड कप रोहित पौड़ैल का उस लिहाज से भी। और उम्मीद है कि ये बहुत जिस तरह के टॉपिक्स पर इस पर बात करेंगे वो आपको बहुत पसंद आने वाला है। जी हाँ, अपनी उस पर राय रखने के लिए आपके पास काफ़ी कुछ यहाँ पर बातें बिल्कुल होंगी, बिल्कुल। और मिशन T20 वर्ल्ड कप को अकॉम्प्लिश आप कहें करने में क्या क्या चीज़ें रोहित के सामने हैं, और क्या क्या चीजें उन्होंने अच्छी की हैं, क्या क्या चीजें एक्सपेक्टेशंस उनसे रहेंगी, और क्या क्या उनके सामने चैलेंजेस हैं, और किस तरह से उन चैलेंज को ओवरकम कर सकते हैं, इस पूरे वीडियो में इसके बारे में बात होगी। तो उम्मीद करेंगे कि वीडियो अगर अच्छा लगे आपको तो वीडियो को कंप्लीट होने के बाद प्लीज शेयर जरूर करिएगा। प्लीज, जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतना ये वीडियो फैलेगा और क्या पता रोहित तक भी कहीं ना कहीं पहुंच जाए। तो खैर, चलिए वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज जरूर हम कहना चाहेंगे कि आजकल देखने में बहुत मिलता है यार, नेट वगैरह में हम देखते हैं कि बहुत सारी फेक चीजें जो है वो जरूर निकल कर जरूर सामने आती बिल्कुल। हैं। आप देख ले, चाहे फेक सॉफ्टवेयर वगैरह हो या फिर क्या क्या हो कि आजकल चेहरा चेंज कर दे रहे हैं और जी हाँ चेहरे पे कुछ नकली चेहरा लगा कर सकता है, कि मेरे ख्याल से डीप फेक नाम है इस तरह के सब जो भी सॉफ्टवेयर वगैरह है वो सब चीजें होती हैं, या फिर किसी ने ऐसा कुछ बोला नहीं होता लेकिन फेक उनका नाम लेकर स्टेटमेंट फेक स्टेटमेंट्स वगैरह आजकल आप देखते हैं बहुत पोस्ट चलता है बहुत करते कि हैं इस ऑनलाइन। स्पोर्ट्स पर्सन ने ये कहा जी लेकिन उन्हें हाँ पता ही नहीं है कि मैंने ये बोला भी था, बिल्कुल या फिर नहीं, बिल्कुल ये सब चीजें बिल्कुल। निकल कर आती है। तो इसी चौथ में हम सोचते, चलिए एक बार डिस्क्लेमर टाइप का दे दें हम अपने वीडियो में कि सबसे बड़ी बात, जब भी आप कहीं पर देखें, कहीं पर वीडियो की तरह सुनिए सुने, अगर कोई वीडियो आपके सामने प्ले हो रहा हो, आपने कहा सोच देखा, अरे ये तो डेलीवरी वाले हैं, और उन वहां से आवाज आ रही हो कि आप लीग्स खूब भर भर के देखिए, लीग्स बहुत अच्छी हैं, लीग्स को प्रमोट करिए, फैंटेसी ऐप्स को प्रमोट करिए, बिल्कुल बैटिंग ऐप जो जुए वाले ऐप्स हैं, उल्टी सीधी जो ऐप्स हैं, जो लोगों को लगता है वो सो कॉल्ड बहुत अमीर हो रहे हैं लेकिन वो बर्बाद हो रहे होते हैं, उन ऐप्स के बारे में हो, या फिर गालियां हो, गंदे लैंग्वेजेस हो, अगर बिल्कुल इस तरह का आप कोई वीडियो देखना कह रहे हैं, अरे तो डेलीग्रेट वीडियो, तो 100% उसी टाइम तुरंत तुरंत उस वीडियो पर रिपोर्ट मारिएगा, क्योंकि वो समझ जाइएगा कि ये डेफिनेटली फेक वीडियो है, क्योंकि बिल्कुल ये सब चीजों बिल्कुल को डेलीग्रेट कभी भी किसी भी सूरत में प्रमोट करता हुआ नजर नहीं आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हमारे यहाँ पर ना ही हम गलत लैंग्वेज यूज करते, ना ही हम प्लेयर्स के बारे में गलत, ट्रोलिंग और क्रिटिसिज्म ये दो अलग चीज है। बिल्कुल बिल्कुल। ट्रोलिंग आपको 90% आजकल के क्रिकेट पेजेस में मिलेगी, जी हाँ, जो करते हैं ट्रोलिंग सभी करते सभी हैं, करते हैं, चाहे वो नॉर्मल हो कोई भी गया है, रहा है, नॉर्म हो कोई भी चुका है कंट्री आजकल। की बात कर रहे हैं, नॉर्मल नॉर्म होने लगा है, उसे ट्रोलिंग कहते हैं जो आप 90% क्रिकेट पेजेस में देखते हैं। क्रिटिसिज्म वो है जो सिर्फ उस प्लेयर की परफॉर्मेंस पर बात बिल्कुल करता हो, बिल्कुल उस स्पेसिफिक डे पर, उस प्लेयर की परफॉर्मेंस पर, कैपेबिलिटी पे, उस पर अगर बात की जाए उसे क्रिटिसिज्म कहते हैं, और अगर उस प्लेयर का मजाक उड़ाना शुरू हो जाए, उल्टी सीधी चीजें जी लाकर, हाँ उसे ट्रोलिंग कहते हैं, जो कि आप जानते हैं 90% आजकल सोशल मीडिया में जितने भी फेसबुक के क्रिकेट पेजेस आपको मिलेंगे, चाहे किसी भी कंट्री के हो, किसी भी फैंस के द्वारा हो, वो सब ट्रोलिंग वाली चीज पे ही ज्यादा बात करते हैं, क्रिटिसिज्म जो है वो नहीं करते। क्रिटिसिज्म और ट्रोलिंग में एक बहुत थिन लाइन है, उसे बिल्कुल मेंटेन हमेशा रखता है। चलिए अब जरा मुद्दे पे आते हैं, वीडियो की बात करते हैं। मिशन T20 वर्ल्ड कप की अगर बात करें तो आप सोचेंगे कि हमने रोहित को ही क्यों पिक किया, और भी तो कप्तान है जो जा रहे हैं, ब्रायन मसाबा बिल्कुल है उसका कप्तान है। देखिए सीधी सी बात है, स्कॉटलैंड और नीदरलैंड के बाद अगर दिल से ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं किसी टीम की इम्प्रूवमेंट थोड़ी सी और बेहतर होनी चाहिए तो वो नेपाल, ऑब्वियसली नो डाउट है वो नेपाल हो गया, और नेपाल कैप्टन इस वक्त रोहित पौड़ैल है। स्कॉटलैंड इतनी एक्स्ट्रॉर्डिनरी अचीवमेंट्स की है, जो उनका क्रिकेट जी रहता हाँ है वो हाई स्टैंडर्ड का रहता है, और उसके बिल्कुल बाद देखकर लगता है मन से निकलता है वो, लेकिन जाहिर सी बात है जब हम डेलीगेट के चेयर पर बैठते हैं एनालाइज जरूर करने के लिए जरूर तो हम ये जरूर भूल जाते हैं कि हमें क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है, तब हम बिल्कुल उस तरह का एनालाइज करें जिस तरह का एनालाइज होना चाहिए, उसीलिए हमने आप रोहित को पिक किया। मिशन T20 वर्ल्ड कप बहुत कई मायनों में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा नेपाल के लिए और रोहित पौड़ैल के लिए भी, और उसकी शुरुआत करेंगे हम, कुछ पॉइंट्स हमने यहाँ पर रखे हैं जो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे रोहित के लिहाज से, एंड रोहित पौड़ैल एज अ कैप्टन T20 वर्ल्ड कप मिशन में आप पॉइंट नंबर वन क्या देखना चाहेंगे और क्या आप एक्सपेक्ट करें। जरूर। देखिए, अगर हम सबसे पहली चीज देखें रोहित की, तो उन्हें मेक श्योर करना होगा कि बैटिंग ऑर्डर क्या रहने वाला है, क्योंकि अभी हमने देखा काफी चेंजेस हुए थे। कभी कुशल मल्ला सेकेंड डाउन आ रहे हैं, कभी संदीप जोरा भी आए हैं, गुलशन झा को सेकेंड डाउन ट्राई किया गया, रोहित पौड़ैल तो आए हैं अपने डाउन पर, आए हैं वो वन डाउन पर। ओपनिंग में भी ट्राई करके देखा गया, लोकेश बाम को भी देखा, अनिल शाह को भी देखा, जो भी जी था ट्राई ट्राई जो भी था वो हो गया। लेकिन अब जब इवेंट शुरू हो जाएगा, पहला मैच खेलने उतरेंगे आप 4 जून को, जब नेपाल उतरेगी नीदरलैंड्स के खिलाफ, तब से लेकर आखिर के चारों मैचों में मेक श्योर होना चाहिए कि बैटिंग ऑर्डर जो है वो सेम रहना चाहिए, ना कि आप परफॉर्मेंस के बेस पर यहाँ पर भी चेंज करने लग जाए। खासकर टॉप 5 जो है, जी टॉप 5 से हमारा मुराद ये है कि जो ओपनर्स हैं 2, और फिर 1 डाउन, 2nd डाउन और 3rd डाउन। जी
तो ये पांच प्लेयर्स जो है वो किसी भी सूरत में रोहित और जो कप्तान है रोहित पटेल, उन्हें ध्यान रखना होगा कि ये पांच प्लेयर किसी भी वे में चेंज नहीं होने चाहिए, चाहे कंडीशन हमारे सामने किसी भी तरीके की आ जाए। उसके बाद टॉप पांच के बाद आपकी जो मर्जी है, जो करना है, क्योंकि T20 गेम है इसलिए टॉप पांच हमने यहाँ जोड़ा है, तब आप जो करें, जिसको लाना चाहें, जिसको भेजना चाहें, फिनिश में करना चाहें, कुछ भी करें, लेकिन शुरू के जो पांच बल्लेबाज हैं ओपनर्स और 1, 2, 3 उनको मेक श्योर करना होगा कि चारों मैचों में वो सेम रहे। बिल्कुल, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि काफी बैटिंग ऑर्डर में ट्रायल किया गया, बहुत सारे सीरीज ये बोल के ट्राई किया, और ये बोल के ट्राई किया गया कि हम ये ट्राई कर रहे हैं देखने बार बार अच्छा बैटिंग ऑर्डर सेलेक्ट हो जाए। तो अब कहीं ना कहीं बार आ गया है वो मेन इवेंट जिसकी आपने इतनी सारी तैयारी की है, क्योंकि नेपाल से ज्यादा मुझे लगता है किसी ने भी मैचेस के लिए आपसे, अब क्वालिटी क्वांटिटी वो अलग चीज है, लेकिन मैचेस के लिहाज से मुझे लगता है नेपाल से किसी ने मैचेस खेले, तो उस लिहाज से काफी चेक यहाँ पर हो चुका है। अब बैटिंग ऑर्डर को चेंज अगर ज्यादा छेड़ा ना जाए वर्ल्ड कप के इन चार मैचेस में बहुत अच्छा रहेगा, खास करके टॉप पांच की बात कर रहे हैं। उसके बाद आप कहीं ना कहीं आपको जो लगता है आप किसी को स्ट्राइकर के ज्यादा स्ट्राइकर होने की वजह से उसके ऊपर गिना जाते हैं, वो सब ठीक है, लेकिन टॉप पांच के साथ है, क्योंकि यहां पर बड़ा इवेंट है। अब यहां पर क्या है, छोटी मोटी टीम नहीं है कि जहां पर आप उस कैपिटलाइज करके उस स्कोर को और बड़ा लेकर चले जाए, यहां पर बहुत प्लान करके चलना होगा ये मानकर चलिए, क्योंकि स्ट्रांग और बड़ी टीमों का मतलब यही होता है अगर आप 100 पे अगर आपका पहला विकेट गिरा है तो हैरानी नहीं होगी कि 150 पे वो आपके 8 विकेट गिरा, ये फर्क नजर आता है। कोलैप्स एक अलग चीज है, लेकिन यहाँ पर जो सामने टीम है उनके अंदर के भी कंपेटिटिवनेस है, तो वो चीजें देखनी पड़ेगी कि 100 पे 1 है तो हम कहीं बहकर किसी हार्ड हिटर स्ट्राइकर को भेज दे और वो कहने और वो नहीं कर पाए तो पूरा का पूरा जो बैटिंग ऑर्डर का वो है वो खराब हो जाए, तो इससे बेटर होगा मान के चलिए 11 ओवर में आपके 100 रन है और आपका पहला विकेट गिरा है, तो उसी बैटिंग ऑर्डर के साथ जाइए ताकि पार्टनरशिप में डीप लेकर जाया जा सके। पता चला आपने स्ट्राइकर बड़े वाले को भेजा लेकिन वो एक और सिक्स मारकर आउट हो गए, तो उससे पूरा पैटर्न खराब हो जाएगा और फिर एक कोलैप्स का डर हो जाता है। तो बैटिंग ऑर्डर आप सिमिलर रखें तो बहुत बेहतर रहेगा, खास करके टॉप पांच के लिए। उसके बाद बात की जाए रोहित पटेल एज अ प्लेयर, एज अ बैट्समैन की अगर बात की जाए तो उनका जो रोल रहेगा वो है बहुत इंपॉर्टेंट, वो है एंकर का। एज अ बैटिंग उन्हें एक एंकर के रोल में बहुत इंपॉर्टेंस अपनी देनी होगी, क्योंकि जिस तरीके का डाउन वो पकड़ कर आते हैं और अगर ओपनर्स चले तो उनके लिए थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा, और ओपनर्स अगर नहीं चले तो रिसेंटली हम देख रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर ओपनर्स नहीं चले तो उनका काम और इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो जो काम है उनका वो हो जाएगा एंकरिंग का। उन्हें शुरू में आकर अपने साथ साथ सिर्फ प्लेयर्स को खिलाना है और उन्हें वो रोल प्ले करना है कि मैं नॉन स्ट्राइकर एंड पे जा रहा हूं, हिटिंग आपको करनी पड़ेगी, मैं अभी नहीं करूंगा, मुझे थोड़ा सा वक्त लगेगा। अब हिटिंग का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही शेल में चले जाएंगे, खराब बॉल आए तो उसे बाउंड्री में बिल्कुल भेजिए, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि बॉलें खराब ना आए। तो रोहित का रोल एज अ एंकर ज्यादा हो तो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा बजाय हार्ड हिटिंग के, शुरू से ही आकर एक वक्त पर आकर वो भी कहीं ना कहीं हिट करें अपने स्ट्राइकर को बढ़ाएंगे तो बहुत बेहतर है। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि रोहित को हम सिंगल्स एंड लेते हुए बहुत देखते हैं जो उनके स्ट्राइकर को बढ़ाने में मदद करता है, जरूर करेगा, और एक जब आप एक बाउंड्री के बाद एक सिंगल लेते हैं तो उस पर और ज्यादा आप लर्न कर पाते हैं, और बहुत बेहतर तरीका होता है कि आप शुरू में इस तरीके से खेलें, जरूरत नहीं होती, ये बाउंड्री आ चुकी है, बहुत ये प्लेयरों में बहुत जज्बाती रहती है कि एक बाउंड्री आ गई तो दूसरे के लिए भी ट्राई करें, तीसरे के लिए भी ट्राई करें, ऐसा नहीं है। लेकिन रोहित को मेक श्योर करना होगा कि मैं एक बाउंड्री लगा रहा हूं पर मैं अपना विकेट थ्रो नहीं करूंगा, जिस तरीके से अभी हाल फिलहाल में भी हमने देखा इसी साल T20 मैचेस में कई बार वो विकेट थ्रो करके गए, लेकिन कई बार उन्होंने बहुत अच्छी इनिंग भी खेली, तो उसी इनिंग को सीखना होगा उस इनिंग से, जैसे शतक मारा उन्होंने अपने घर में वेस्ट इंडीज के खिलाफ, तो वो इनिंग क्या इनिंग थी उससे आप सीख सकते हैं इस जैसे इवेंट में, सीखे भी होंगे, सीखते तो है ही, ऐसा नहीं। तो उम्मीद रहेगी कि वो एंकर का जो रोल है 30-35 डिलीवरी वो थोड़ा सा ठहर ठहर कर खेले, जी हाँ रोहित पटेल को खेलना होगा 30-35 डिलीवरी तक अपनी इनिंग को, उसके बाद आप चाहे कितना भी करें पावर को स्ट्राइक रेट को जो बढ़ाना भी है ऑब्वियसली, लेकिन उसके बाद बढ़ाएं, लेकिन ऐसा नहीं कि बॉल वन से। बिल्कुल, देखिए क्लियर सीधी सी बात है, ये क्या है कहने के लिए बहुत अच्छी होती है स्टेटमेंट के तौर पर कि 11 प्लेयर्स हैं तो सबकी अपनी अपनी सिमिलर जिम्मेदारी है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर सबकी सिमिलर जिम्मेदारियां होती तो कोई कैप्टन नाम का ऑप्शन क्रिकेट में कभी नहीं होता। जब एक कैप्टन आप बनाए गए तो एक रोल बहुत अलग तरीके का हो जाता है। ये चीजें आपको बहुत कम लोग समझाते हैं, क्रिकेट हमेशा इस बात पर कायम रहता है कि एज अ प्लेयर किसी का रैश शॉट खेलकर, खराब शॉट खेलकर विकेट गवा देना डेफिनेटली उन पर क्रिटिसिज्म होगी, लेकिन उसके साथ साथ अगर कप्तान भी वो चीज करे तो कहीं ना कहीं एक और ज्यादा एक लेवल अप डिसअपॉइंटमेंट, क्योंकि कप्तान का रोल बहुत अलग है, कप्तान बहुत सारी चीजें सोचता है और कप्तान लीड फ्रॉम द फ्रंट
का रोल निभाता हुआ नजर आता है। तो रोहित जो रोहित एज अ कैप्टन जितना ज्यादा इस चीज को एंकर का रोल प्ले करने में समझेंगे कि नहीं मुझे एक एंकर रोल प्ले करना है, क्योंकि अब ये इवेंट बहुत बड़ा है, यहाँ पर अगर हम एक मैच जीत जाते हैं तो हमारे लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज और बहुत सारी चीजें निकल कर आ जाएंगी। तो ये थोड़ी सोचने वाली बात है। रोहित का जो रोल है बैट से वो एंकर का रहे शुरू में, उसके बाद वो एक्सलेट करे तो बहुत बेहतर रहेगा। ये सारी चीजें उसके बाद बात करते हैं नंबर थ्री की, बात कर रहे हैं हम बॉलिंग रोटेशन के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इवेंट्स पर आईसीसी जैसे। जरूर, और कोशिश करनी चाहिए कि किस तरीके का वो बॉलिंग रोटेशन रखना चाह रहे हैं सामने वाली टीम के सामने, कौन से बल्लेबाज क्या खेल रहे हैं, क्या तरीका है उनका, कौन से राइट हैंडेड लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन आए हैं, तो इस तरीके से कौन किस बॉलर ने कौन सी इकोनॉमिकल बॉलिंग कराई है, और ये बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर टाइट बॉलिंग हो रही है किसी के द्वारा, मान लीजिए स्विंग मिल रही है अगर किसी को, तो उससे फटाफट ओवर वहीं करा लेने चाहिए, बेहतर होता है। वरना ब्रेक लगने के बाद हम देखते हैं ज़्यादातर कि दो ओवर तो इन्होंने अच्छे डाले लेकिन दो ओवर खराब चले गए, ये हो सकता है। तो अगर वो अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं तो उनसे एक रेगुलर इंटरवल में लगातार एक बॉलिंग करा ली जाए तो बेहतर होगा। स्पिनर्स का पुरानी बॉल से इस्तेमाल करके किस तरीके से स्पिनर, क्या पता पावर प्ले में एक ओवर अच्छा करा रहे हो, क्या पता मिड फेस में आके थोड़ा सा लेट करेंगे स्पिनर्स को तो शायद मदद और मिले स्पिनर्स के द्वारा। तो बॉलिंग में खासकर ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप हमारे पास कितने बॉलर्स हैं और किस एक्स्ट्रा को मैं बॉलिंग दे रहा हूँ ज़बरदस्ती का, उससे बचने की ज़रूरत है कि पाँचवें या छठे बॉलर्स को वो बॉलिंग थमा रहे। बिल्कुल, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप किसी पार्ट टाइमर को यूज भी कर रहे हैं तो मेक श्योर करिए कि एक आध ओवर डाला उन्होंने और उसके बाद हम अपने मेजर बॉलर्स की तरफ चलिए, इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि बड़े इवेंट्स हैं। डेफिनेटली एक दो ओवर उन्होंने आकर कराया, उन्होंने कोई विकेट निकाला या फिर नहीं भी निकाला तो दो ओवर उनके हो गए तो आप अपने अपने बॉलर्स की तरफ वापस से चले, तो ये बहुत मेक श्योर करने की चीज़ जरूरत है। बॉलिंग रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि आपने किस वक्त, क्योंकि देखिए ये छोटी छोटी चीज़ों की बात होती है, T20 क्रिकेट है, थोड़ा सा भी उन्नीस बीस इधर हुआ और गेम जो है वो आपके हाथ से निकलता हुआ नजर आएगा। और सामने तो जब फुल मेंबर्स की टीमें होंगी और नेदरलैंड्स भी एक बहुत स्ट्रांग अच्छी टीम है, तो चारों टीमें काफी स्ट्रांग है, तो यहां पर एक एक चीजें आपको बहुत फूक फूक कर कदम रखनी होगी। और बॉलिंग रोटेशन में किसी भी सूरत में, चाहे वो पावर प्ले वन हो, टू और थ्री हो, उसमें ध्यान देने की जरूरत है, उसमें गलतियां की गुंजाइश बहुत कम हो जाएगी जब हम बात करते हैं T20 वर्ल्ड कप जैसे इवेंट की। उसके बाद चौथे पॉइंट की बात की जाए तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है और वो बहुत, ये जो लास्ट के दो पॉइंट्स हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत डिफरेंट है, तो जो उम्मीद है कि आप ये चीजें समझेंगे कि आखिर इस बारे में जो विकेट क्या कहना चाह रहा है। तो चौथा पॉइंट है वो है आईज ऑन ओपोनेंट बैटर्स। बिल्कुल, एंड इससे हमारा क्या नहीं, जरूर देखिए सीधी सी बात है कि रोहित की जो नजर होनी चाहिए वो बल्लेबाजों पर रहनी चाहिए, ना कि एक्स्ट्रा बाहर, वो बिल्कुल रहेगी, वो कप्तान है ऑब्वियसली, ये कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन स्पेसिफिक बल्लेबाज पर नजर होनी चाहिए रोहित की, कि वो किस तरफ शॉट खेल रहे हैं, किस एरिया में वो सारा टारगेट कर रहे हैं, कहाँ हमारे फील्डर्स जो है वो लगे हुए हैं, कहाँ बल्लेबाज मार सकता है जी, और कौन सा बल्लेबाज भागने से थोड़ा कतरा रहा है, ज्यादा शॉट पर डिपेंड कर। बिल्कुल सही, बिल्कुल जी हाँ, ये आपने सही कहा है। तो इस तरीके से बल्लेबाज पर नजर रखने की ज्यादा जरूरत है कि ये बॉलिंग करा रहे हैं, इस वक्त मैं बल्लेबाज होता तो मैं किस तरफ टारगेट करता, ये भी खुद में माइंड में एक चीज होती है कहीं ना कहीं, कि एक माइंड में चलता रहता है बहुत कुछ कि हाँ ऐसा है वैसा, बाहर क्या चल रहा है उसे रहने दीजिए। और उम्मीद ये अच्छा रहेगा कि अपने गैजेट्स को या स्मार्टफोनों को हाथ ना लगाएं जब वो इवेंट पर आप जाएंगे, तो और बेहतर होगा और सही रहेगा, उससे माइंड बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। लोग कहते हैं नहीं होता है लेकिन होता बहुत ज़्यादा है, वो जब आप ग्राउंड में उतरते हैं, आज इस कदर जो है ऑनलाइन जो है वो हावी हो चुका है किसी की लाइफ, तो उससे दूर रहे तो बेहतर है। और बल्लेबाज पर सबसे ज्यादा मेजरली फोकस रखें, वो बहुत अच्छा होगा, किस तरह वो शॉट खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं, कहाँ वो पैरों का इस्तेमाल कर रहे हैं, कहाँ वो सिंगल ज्यादा निकाल रहे हैं, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे प्लेयर बहुत होते हैं, स्मार्ट प्लेयर होते हैं जो सिंगल लेकर अपना स्ट्राइकिंग भी मेंटेन रखते हैं और पार्टनरशिप भी बिल्डअप कर रहे होते हैं। और सामने टीम को ऐसा लगता है कि नहीं हम तो विकेट्स गिराए जा रहे हैं लगातार, लेकिन वो ये चीज भूल रहे हैं कि नहीं एक विकेट है जो बहुत देर से नहीं गिरा है और वो अच्छे से पड़ चुका है मेरे बॉलर्स को और स्कोरिंग एरियाज को, और फिर वो लास्ट के दो तीन ओवर पूरा गेम पलट देने का मादा रखते हैं। गेम पलट से हमारा मतलब है तीन गेंदों तीन ओवर में 40-50 रन मारकर स्कोर पूरा बदल देते हैं। ये तरह की चीज आपको ध्यान रखनी होगी, कौन कहां पर सिंगल्स निकाल रहा है, कौन किस एरिया में थोड़ा कमजोर नजर आ रहा है, कोई ऐसे कुछ भी ऐसे बैट्समैन भी होते हैं जो ऑफ में बहुत खेलते हैं लेग में थोड़ा स्ट्रगल करते हैं, तो आपको देखना पड़ेगा और तुरंत आपको बॉलर को मैसेज देना पड़ेगा, और बॉलर भी पढ़ते हैं लेकिन आपको फिर जाकर मैसेज देना है कि लेग स्टंप पर इन्हें टारगेट करो, मैं पीछे फील्डर लेता हूं ताकि कोई एज वैच आए तो कम से कम बाउंड्री ना जाए, लेग स्टंप में से लेग स्टंप में दिक्कत हो रही है, कुछ लेग में ज्यादा खेलते हैं ऑफ में दिक्कत हो, आप उनके चौथे स्टंप पांचवें स्टंप में आप टीज करते रहे, देर सवेर वो अपना कैच जरूर थमा कर बैठेंगे। तो ये चीजें
है, बैट्समैन को भी आपको रीड करना होगा। ये याद रखिए ये बहुत बड़ा इवेंट है जरूर, और सामने फुल मेंबर्स की टीम है और स्ट्रॉन्ग टीम्स है, तो डेफिनेटली एक एक चीज आपकी पहली नजर होनी चाहिए। पूरी 120 गेंदों में जब आप फील्डिंग कर रहे हो तो कैप्टन जो है वो हर चीज पर गौर करना होगा उसे। कैप्टन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बॉलिंग रोटेशन से लेकर ओपनिंग बैट्समैन किस तरह से खेल रहे नहीं खेल रहे, उनकी वीकनेस स्ट्रेंथ, और क्या बहुत जल्दी पकड़नी पड़ेंगी ये चीजें, क्योंकि आप जानते हैं टी20 में वक्त इतना नहीं है कि 50 ओवर को 4-4 घंटे तक मैच चलता रहे, बहुत जल्दी आपको चीजें पकड़नी पड़ेंगी। एक आध ओवर में कि आखिर इस बैट्समैन को स्ट्रगल कहाँ कर रहा है, इसका स्ट्रॉन्ग जोन कौन सा है, वीक जोन कौन सा है, ये रन्स भाग रहा है कि नहीं भाग रहा, रन्स भागने में कतरा रहा है नहीं कतरा रहा, ये सारी चीज देखनी पड़ेगी। कहीं एजेस तो इसके काफी नहीं आ रहे तो आपको स्लिप ऑन करनी होगी, ये सारी चीजें देखने वाली बात यहाँ पर हो जाती है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार जिसके बारे में आप मुझे बता रहे थे कल, मैं चाहूंगा आप ही इस चीज को बताएं, जो कि पांचवा और आखिरी पॉइंट रहेगा हमारा रोहित एज अ कैप्टन के लिए। जरूर, वो है रोहित पिनाल जो है विकेट कीपर से बहुत कहना होगा कम्युनिकेशन में रहे, जब कन्वर्सेशन में रहे बिल्कुल, और जब वो विकेट कीपर से बात करें कि देखें कि कहाँ फील्डिंग कहाँ बल्लेबाज खेलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि विकेट कीपर बैट्समैन के सबसे क्लोज होता है, अच्छा व्यू दे सकता है, अच्छा व्यू दे सकता है, और बल्लेबाज को भी वही दिख रहा होता है जो विकेट कीपर देख रहा होता है, वो सेम पोजिशन पर खड़े होते हैं दोनों। तो वो जैसे कि आसिफ विकेट कीपर है वही विकेट कीपिंग करेंगे, तो आसिफ से बात करने की कोशिश करेंगे कि कहाँ तुम्हें गलती लग रही है फील्डिंग में, कहाँ ज्यादा गैप नजर आ रहा है यहाँ से बल्लेबाज के, ये आपने सही कहा, कौन से एरिया में ज्यादा गैप नजर आ रहा है, बिल्कुल कहाँ बल्लेबाज खेलने के लिए ट्राई कर रहा है शॉट के लिए, क्या वो मार सकता है अगला मूवमेंट उसका पैर, क्योंकि सबसे क्लोज पैर जो है वो विकेट कीपर देख पाते हैं सबसे क्लोजली, तो ये सब चीजें हैं वो विकेट कीपर से पूछ सकते हैं। तो कभी कभार विकेट कीपर, क्योंकि आप कप्तान हैं तो आपके सामने कोई इतना बोलता नहीं, जैसे चल रहा होता है चलने दिया जाता है, लेकिन लेकिन अगर आप पूछेंगे कैप्टन को आगे आकर खुद रोहित पिनाल थोड़ा पूछेंगे उनसे विकेट कीपर से, तो वो बहुत हेल्प करेंगे। विकेट कीपर बहुत आइडियाज होते हैं विकेट कीपर के पास, कई विकेट कीपर, ये एक प्लेयर ने बोला था, एक उनका नाम नहीं लूंगा इसलिए, लेकिन उन्होंने ही कहा था कि कई आइडियाज जो है वो विकेट कीपर के पास रहते हैं, बस कप्तान को जो है वो पूछना होता है। जी हाँ, क्योंकि वो खुद डरते हैं डिलीवर करने। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि कप्तान सीनियर होता है, कप्तान जब भी बनाए जाते हैं किसी टीम के तो वो कुछ देखकर बनाए जाते हैं, या तो रन्स को देखकर या उनके आजकल उनके फेम को देखकर, तो पहले रन्स को देखकर भी बनाया जाता था, तो अब ये है। तो रोहित पिनाल जो है वो साथी एज के ही है, इतने कोई वो बड़े है नहीं, तो इसलिए थोड़ा सा आगे आकर आगे चलकर थोड़ा बोलेंगे, आसिफ से बात करेंगे कि फील्डिंग वगैरह में कहाँ क्या है, बॉलर किस तरीके की डिलीवरी रख रहा है, क्या लग रहा है आपको, बॉलर की टर्न वगैरह हो रही है या नहीं, वो विकेट कीपर से अच्छा पूछ। बिल्कुल, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये छोटी छोटी चीजें आपको लगेंगे सब क्या चीजें हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, और ये छोटी छोटी चीजें आपको बड़े इवेंट्स पर जाकर बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं कि आप हमें एक और पर्सपेक्टिव ले लेते हैं कि इसके अलावा उस पर्सपेक्टिव से चीजें कैसी लग रही है, एक विकेट कीपर यानी बल्लेबाज की तरफ से बॉलें कैसी आ रही है, कितनी स्पीड में आ रही है, क्या कोई बॉलर ऐसा डाल रहा है मेरा जहां पर ऊपर आकर कीपिंग की जा सकती है, विकेट कीपर से पूछ के कि स्पीड कैसी है, गैप्स के बारे में सबने कहा, पैरों की मूवमेंट, ये सारी चीजें बहुत अच्छा है विकेट कीपर पर्सपेक्टिव से अगर चीजें समझ में आए तो और बेहतर यहां पर रहेंगी। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि रोहित को एज अ कैप्टन इस T20 वर्ल्ड कप मिशन में काफी काम आएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा उनके लिए इन सब चीजों को टैकल करना, और अगर वो करते हैं तो नो डाउट। और एक चीज और सिंपल सी बात है, T20 वर्ल्ड कप में जो है जो गोल है वो क्या रहेगा नेपाल का, अगर आप इसी से वीडियो को एंड करते हैं। देखिए गोल सिंपल सी बात है, अगर आप देखें 2014 T20 वर्ल्ड कप जब टीम खेलने गई थी, तो पहला वर्ल्ड कप, तो वहां पर उन्होंने मिनिमम 2 मैचेस जीते थे, और तो सिंपल सी बात है कि 2 मैचेस आपको मिनिमम यहां पर जीतने हैं ताकि आप कम से कम उस परफॉर्मेंस को मेंटेन रखें। अब मैं बहुत सुनता हूं कि बहुत नहीं कुछ समय कभी सुनता हूं कि देयर इज नथिंग टू लूज फॉर नेपाल, ये बहुत अजीब सी लाइन है, ये बिल्कुल ये एक तरह से है कि ये तो ये दिखा रहा है कि कितना छोटा गोल है, फिर आपका ये गोल बहुत छोटे टाइप का हो गया, देयर इज नथिंग टू लूज फ्रॉम, कैसे नथिंग टू लूज, आप एक ओडीआई स्टेटस टीम है लगातार, वो भी लगातार खेल रहे हैं, आप T20 वर्ल्ड कप खेली हुई टीम है, आप T20 वर्ल्ड कप में 2 मैच जीती हुई टीम है, आप एशिया कप खेली हुई टीम है, आप वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में ओडीआई के फुल मेंबर्स के खिलाफ खेली हुई टीम है, कितने सारे आपने क्वालिफायर्स यहाँ पर खेल लिए, एक आपका प्लेयर इंटरनेशनल लेवल पर जाकर कई अलग अलग लीग्स में परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं दे चुके हैं, तो देयर इज सो मेनी थिंग टू लूज, ऐसा नहीं है कि नथिंग टू लूज, ये बिल्कुल समझ से परी होती है लाइन जो भी यूज करते हैं, बिल्कुल समझ से परी है, ये नथिंग टू लूज लाइन किस पे अच्छी लगेगी, USA, कनाडा, युगांडा और PNG इन पे लगेगा, क्योंकि इनके पास नथिंग टू लूज है, ये तो पहला T20 वर्ल्ड कप अपना खेल रहे हैं, PNG दूसरा, लेकिन वो ऑलरेडी अपना ओडीआई स्टेटस गवा चुके हैं, वो कुछ भी करें आखिर रहेंगे तो उस चैलेंज लीग फेस में, तो ये सबसे बड़ी चीज है कि सिंपल सी बात है, मिनिमम 2 मैचेस नेपाल को यहाँ जीतने होंगे डेफिनेटली, आप कह सकते हैं
धर्मपाल रिटर्न आए तो कोई भी एक ऐसा बंदा जो होना चाहिए जो कहेगा कि हाँ आप तो फेलियर होकर आए। जी हाँ, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल, अगर आप दो मैच जीत कर आए तो उसका मतलब क्या है कि आपने पहले तो अपना पिछला वाला परफॉर्मेंस मेंटेन रखा और उसके साथ साथ आपने यहाँ पर एक फुल मेंबर को भी मात दी और एक एश्योर को, या फिर क्या पता आप दो जैसे भी हो, चाहे दो फिल्मर को मात दें या फिर एक एश्योर एक फुल मेंबर को मात दें, तो ये मिनिमम क्रिटेरिया गोल जो है वो नेपाल का रहेगा। और उसमें रोहित पौड़याल एज अ कैप्टन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। याद रखिए कैप्टन का रोल बहुत अलग लेवल का रहने वाला है इस वर्ल्ड कप में, और इसीलिए हमने वीडियो रखा था कि क्या बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो उनके सामने रहेंगे स्टूडेंट्स वर्ल्ड कप में। उनसे एक्सपेक्टेशंस भी बहुत अच्छी हैं क्योंकि उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं कुछ, और उसके बाद बस ये है कि अवे में है तो किस तरह से टीम को टैकल करते हैं, कैसे वो परफॉर्मेंस निकलवाते हैं प्लेयर्स से, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये सारी चीजें बहुत शार्प और पैनी रखनी होंगी रोहित पौड़याल को इस कैप्टनसी में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए क्रिकेट चैनल के साथ, आप अपनी राय जरूर रखिए, और आपको वीडियो पसंद आया तो शेयर जरूर करिए।